नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। आवास क्षेत्र में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने को लेकर किसान नेता ने विरोध का अनूठा तरीका निकाला है। गुरुवार को राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला मंत्री राम गोपाल व्यास ने आवास क्षेत्र में खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पगारिया में बस स्टैंड पर स्थित इमली के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर किसान नेता राम गोपाल व्यास ने क्षेत्र में खाद की कमी दूर करने और कालाबाजारी रोकने की प्रशासन से मांग की। इस दौरान यहां पागारिया पुलिस ने समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। किसान नेता उच्चाधिकारियों के आने के बाद ही जो रहे थे। क्षेत्र में लगातार खाद की कमी और कालाबाजारी के चलते किसानों को मुँह मांगे दामों में खाद खरीदना पड़ता है। किसानों की समस्या को गुरुवार को किसान नेता ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू किया। यह जानकारी करावन के राजेश जैन ने दी। बवानी मंडी में ईएलसी के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत चुनाव क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता व ईएलसी प्रभारी निमिचंद मीणा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार, मधु कुमारी, मधुकांता मीणा, अखिलेश कुमार, राकेश कुमार, नितिन भट्ट उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। भवानमंडी के सेठ आनंदीलाल पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 23 नवंबर से चल रही जिला स्तरीय वर्चुअल विज्ञान मेला प्रतियोगिता का समापन आज दिनांक 25 नवंबर को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरा मेहरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ निर्मला मेहरा, विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व भवानमंडी सुपास सोनी, सहायक निदेशक माध्यमिक झालावाड़ रहे। मेले में प्रथम स्थान पर रही प्रतियोगिता राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा 11 जनवरी से 14 जनवरी तक जैसलमेर में संभावित राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पचपाड़ इकाई द्वारा पचपाड़ के होनहार बालिका नाजिया परवीन ने, जिसने नीट की परीक्षा में 668 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 1759 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 477 प्राप्त की। इस होनहार कार्य के लिए नाजिया परवीन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया और यह आश्वासन दिलाया गया कि आगे हमारी बहन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर तरह से आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा है। इस सम्मानित प्रोग्राम में PFI जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन, जमील मंसूरी, आरिफ मंसूरी, बंटी भाई और किसान भाई मौजूद रहे। CHC चौमेला पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के निर्देश के आशा ANM संवाद का आयोजन हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बाघेला के अध्यक्षता में सुमन कार्यक्रम सुरक्षा मातृत्व आश्वासन योजना के आयोजन के संबंध में रखी गई, जिसमें समस्त आशा ANM को निर्देशित किया गया कि सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की सेवाएँ HBNC कार्यक्रम का सफल आयोजन करें। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में चौमेला प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का सीजन 2 को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है। सभी खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन अब्दुल सलीम को जमा कराया। आयोजन कमेटी के सदस्य हरेश गोविंद ने बताया कि चौमेला प्रीमियर लीग के प्रथम सीजन के सफलता व क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए इस प्रतियोगिता के सीजन 2 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 टीमों के कप्तानों के साथ एक खिलाड़ी को रिटर्न किया गया। वहीं बुधवार को खिलाड़ियों में रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी उत्साह रहा। साथ ही रजिस्ट्रेशन का शुल्क ₹300 रखा गया। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 4/12/2021 तक ही लिए जाएंगे। झालावाड़ की पंचायत समिति डक्की ग्राम पंचायत हन्नौदा में बुधवार को आयोजित शिविर में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आम जन को लाभान्वित करते हुए कहा कि जनता से सीधे जुड़े और भावी विभागों की योजनाओं व सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का आमजन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। झालावाड़ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की जानकारी लाभार्थियों को प्रदान करने एवं उनकी समस्याएं समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर 25 और 26 नवंबर को संबंधित ब्लॉक के उपकोष कार्यालय में शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक इंद्र कुमार भानु ने बताया कि 25 नवंबर को ब्लॉक ककलेरा पचपाड़ खानपुर पिड़ावा में तथा 26 नवंबर को मनोर थाना झालरा पठन गंगदार में शिविर आयोजित किए जाएंगे। झालावाड़ सुरजीत का सुधा हॉस्पिटल में सदस्य रोग विशेषज्ञ की देखरेख में सफल दिल का ऑपरेशन किया गया। सुरजीत के दिल के ऑपरेशन में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जो विभाग की RBSK योजना के अंतर्गत वहन किया गया। सुरजीत के पिता के पारिवारिक हालत बहुत ही कमजोर होने से उनके दिल का ऑपरेशन करवाने में सक्षम नहीं थे। सुरजीत के पिता राम लखन व परिवार जन उनके बच्चे के निःशुल्क उपचार करवाने पर राज्य सरकार को दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
झालावाड़ राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पूरे जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी राजस्थान स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक कैंपों में पाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां पर नेत्र सहायक और नेत्र रोग विशेषज्ञ की भी सुविधाएं हैं। वहां पर चिकित्सक नेत्र सहायक मोतियाब इनके रोगियों को चिन्हित करें। झालावाड़ जिले के मनोथाना कस्बे में संभागीय आयुक्त की जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने नरेगा भ्रष्टाचार को लेकर सौंपा ज्ञापन। चंदीपुर सौती बांसखेड़ी मेवातियन मनपसर सहित एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों को लोगों ने नरेगा भ्रष्टाचार को लेकर सौंपा ज्ञापन। पिड़ावा हिम्मतगढ़ ग्राम पंचायत के गांव भोरबंड में आज कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें 160 लाभार्थियों ने टीके प्राप्त किए। कोविड सहायक सुमित भावसा ने बताया कि टीकाकरण में प्रथम व तृतीय डोज लगाई गई। गांव के लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूकता नजर आई। साथ ही टीम में मेल नर्स आदित्य स्वामी, CHA तरुण कलाल, अध्यापक विनोद शर्मा, ललित पाटीदार का सहयोग रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे आ दूर देश रहा है मामला अपना को साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माह बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे कुशवा टेंपल स्टोन एंड बैटरी हाउस झालावाड़ रोड SDM कोर्ट के पास भवानी मंडी। हमारे यहाँ मंदिर निर्माण, मूर्तियाँ, छतरियाँ, मेहराब, पिल्लर, मंदिर सिंहासन, गुम्बज, तोरणधार, हवेलियाँ के झरोके धौलपुर पत्थर से बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर महेंद्र कुशवा, जिनका मोबाइल नंबर है 9509195949 9413595816। नोट, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रैक्टर, बस, इन्वर्टर, UPS सभी प्रकार की बैटरियां उपलब्ध है। हमारा पता है भवानी मंडी, कृष्णा कॉलोनी, झालावाड़ रोड, SDM कोर्ट के पास भवानी मंडी। खुल गया खुल गया खुल गया राधेश्याम मोटर्स बजाज शोरूम, श्रीनाथ कार केयर के सामने न्यू सूर्य का पेट्रोल पंप के पास बाईपास झालावाड़ रोड भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 6377562204। हमारे यहाँ सभी तरह की बजाज की बाइकें उपलब्ध है, जैसे कि CT 100, CT 110X, Platina 100, Platina 110,
पल्सर 125, पल्सर 150, बजाज प्लेटिना चलाइए, गाड़ी के पूरे पैसे पेट्रोल से बचाइए, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। खुल गया खुल गया खुल गया राधेश्याम मोटर्स बजाज शोरूम, श्रीनाथ कार केयर के सामने, न्यू सूर्य का पेट्रोल पंप के पास, बाईपास झालावाड़ रोड, भवानी मंडी।